दिस इज अग्रास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंग्लिश। तो जहाँ पे हम सीखेंगे कि अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आ रही या फिर इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो आसान तरीके से इंग्लिश कैसे बोलना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलें, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंग्लिश देखने में बहुत टफ लगती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान होती है, लेकिन हमने टफ इसको बना दिया हुआ है। ये इसलिए बना दिया हुआ है कि हम क्या करते हैं, इंग्लिश बोलने से पहले ही क्या करते हैं, इसकी ग्रामर सीखने लग जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसमें पजल हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें इंग्लिश बोलने में परेशानी आती है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से इसको डिज़ाइन करा हुआ है ताकि आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, तब भी ज़रूरत पड़ती है जब हमारे सामने कोई इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति होता है। तो जैसे हम पंजाबी बोलते हैं, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, तो ऐसे ही हमने इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देना होता है। और कब कोई भी लैंग्वेज कब स्टार्ट करते हैं, ये जो भाषा होती है, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो बातचीत करने का तरीका क्या होता है, हम जब भी किसी से मिलते हैं उसको विश करते हैं, नमस्ते बोल देते हैं, पंजाबी की बात करेंगे सत श्री अकाल बोल देते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश में बोलना हो तो सबसे सिंपल सा तरीका होता है, अगर मॉर्निंग का टाइम है, मीन्स सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, तो हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। तो आपने क्या करना होता है, ये सिंपल सा तरीका यूज कर लेना होता है। मीन्स अगर हम मैं पंजाबी हूँ तो मैं किसी से मिलूंगा तो मैं बोलूंगा सत श्री अकाल, अगर हिंदी में बात करूंगा तो मैं बोलूंगा नमस्ते। लेकिन एक अंग्रेज है, वो बात करेगा किसी से, मिलता जुलता है आपस में, बातचीत करता है, तो वो बोलेगा मॉर्निंग टाइम, वो बोलेगा गुड मॉर्निंग। क्या विश करेगा, गुड मॉर्निंग। तो ये एक गुड मॉर्निंग मैंने बोला हुआ है, ये एक अंग्रेज बोलेगा। तो हमने क्या करना है, हमने उसी चीज को ही बोल देना है कि एक अंग्रेज बोल रहा है तो हम भी बोलेंगे गुड मॉर्निंग। और अगर कई बार क्या हो जाता है कि हमें कोई भी व्यक्ति बोल देता है आकर गुड मॉर्निंग, हमने उसका आगे से आंसर देना होता है। आंसर कैसे देना है, बोल देते हैं वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे, वेरी गुड मॉर्निंग। तो इस चीज को आपने क्या करना है, सिंपल सा तरीका है कि जब कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो आपने उसको विश करना है, मॉर्निंग का टाइम है तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग। और अगर आपको कोई बोल देता है तो आपने आगे से बोल देना होता है वेरी गुड मॉर्निंग। और उसके बाद दोपहर की बात करेंगे, क्योंकि हम तो नमस्ते ही बोलते जाते हैं या फिर सत श्री अकाल ही बोलते जाते हैं, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और दोपहर को बोल देते हैं गुड आफ्टरनून। क्या बोल देते हैं, गुड आफ्टरनून। तो आपने भी ऐसे ही बोल देना है, गुड आफ्टरनून। मीन जब भी आपको कोई मिलता है तो आपने उसको विश करनी होती है। और अगर मान लीजिए आपको कोई कर देता है, मीन्स कोई आपको बोल देता है गुड आफ्टरनून, तो आपने आगे से बोलना होता है वेरी गुड आफ्टरनून। और उसके बाद हम बात करेंगे शाम को, अगर शाम को कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो आपने उसको विश करनी है तो आप बोलेंगे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और इस चीज को ऐसे ही बोल देना है, क्योंकि अंग्रेज ऐसे ही बोलता है जब विश करता है। और उसके बाद आपको कोई बोल देता है और आगे से आपने आंसर देना हो, मीन्स अगर आपको कोई बोल देता है कि सर गुड इवनिंग, तो आगे से आपने बोलना होता है वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो ये चीजें सिंपल सी चीजें होती हैं, इन चीजों को आप बोलना स्टार्ट कर देते हो तो आप इंग्लिश बोलने वाले लोगों में आ जाते हो। मीन्स वो भी ऐसे ही करते हैं, जो चीज आपको इंग्लिश में आती है उस चीज को आपने इंग्लिश में बोलते जाना होता है। और उसके बाद क्या होता है कि आपने ये चीज विश कर दी, उसके बाद आप हालचाल पूछते हो, मीन्स कैसे हो। तो अगर हम बात करेंगे नॉर्मली भाषा में बात करें, हम बोल देते हैं आप कैसे हो, लेकिन अगर एक अंग्रेज पूछेगा इंग्लिश में तो बोलेगा हाउ आर यू। क्या बोलेगा, हाउ आर यू। और साथ में आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है और इसके साथ में हिंदी में भी आ रहा है। तो अगर आपको लगता है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिन लोगों को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो साथ में हिंदी में भी है। अगर इंग्लिश नहीं आप पढ़ सकते तो आपने क्या करना है, नीचे जो हिंदी लिखी हुई है उस चीज़ को बोलना है, जैसे हाउ आर यू। क्योंकि अगर अंग्रेज ने किसी से पूछना है कि आप कैसे हो तो बोलेगा हाउ आर यू। हमने किसी से पूछना है तो हम भी यही चीज़ बोलेंगे हाउ आर यू। और अब ये मान लीजिए आपसे कुछ पूछ लेता है कि आप कैसे हो,
आपने आगे से बताना है। अगर पंजाबी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो मैं बोलूंगा मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं ठीक हूँ, मैं बोलूंगा आई एम फाइन। एक बार फिर से बोलता हूँ, आई एम फाइन मीन्स अगर आपने किसी से पूछना है कि आप कैसे हो तो आप बोलेंगे हाउ आर यू। लेकिन अगर आपने बताना है, मीन आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, फिर आगे से आप उसको बोलते हो, आंसर देते हो, तो आप बोल देते हो आई एम फाइन। लेकिन अगर उसने मेरे से पूछा है, मैंने उसको बता दिया आई एम फाइन, तो मैं भी उससे पूछूंगा आगे से कि आप बताइए आप कैसे हो। तो अब हमने पूछ लिया, आप बताइए आप कैसे हो। लेकिन अगर यही चीज को हमने इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलते हैं व्हाट अबाउट यू, क्या बोलेंगे, व्हाट अबाउट यू। तो जो सिंपल सी चीज होती है, मीन हमने इसको ऐसे ही बोलते जाना होता है। अगर हम बात करेंगे सर इसको अच्छे से बताइए, इसमें कौन सी ग्रामर लगी हुई है, कौन सी क्या चीज है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी तक हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही इसको बोलेंगे, क्योंकि ग्रामर की बात बाद में होती है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा बोलना तो सीख लें, तो ये बहुत ही आसान होता है। लेकिन जब हम इसके बीच में ग्रामर लेकर आ जाते हैं फिर हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे ही बोल देना है व्हाट अबाउट यू, क्योंकि अंग्रेज ऐसे ही बोलता है, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने भी सोचना नहीं है, क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। तो आपने बोल दिया व्हाट अबाउट यू, तो फिर मान लीजिए आगे वाला व्यक्ति जब बताता है तो फिर बोल देता है आई एम फाइन टू, क्या बोलेगा, मैं भी ठीक हूं, तो बोलेगा आई एम फाइन टू। इसको जो कन्वर्सेशन है इसको एक बार फिर से मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। जैसे आप पूछते हो कि आप कैसे हो, तो आप बोलेंगे हाउ आर यू, और आगे वाला व्यक्ति बोलेगा मैं ठीक हूँ, तो आप वो बोलेगा आई एम फाइन। लेकिन आगे से वो आपको पूछेगा कि आप बताइए आप कैसे हो, तो बोलेगा व्हाट अबाउट यू। फिर हमने आगे से बताना है कि मैं भी ठीक हूँ, तो मैं बोलूंगा आई एम फाइन टू। तो ये चीज की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी होती है। और आप इस वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, ऊपर लिखे हुए हैं जो उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। और इस वीडियो को आपने क्या करना होता है, बार बार देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बाकी बातें तो बाद में आ जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिस बार बार आपने करनी होती है। तो आगे हम चलते हैं, तो आगे आ जाता है कि हम बातचीत कर लेते हैं कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है। तो जब आपने किसी व्यक्ति से पूछना हो कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है, तो हम बोलेंगे हाउ इज योर लाइफ, हाउ इज योर लाइफ। और आगे से फिर आप बताते हो कि मेरी लाइफ अच्छी है, तो आपने बताना, तो आप बोलते हो इट इज गुड। और उसके बाद कई बार आपने देखा होगा आगे से कोई व्यक्ति चलता है तो आपसे पूछ लेता है कि भाई क्या चल रहा है, क्या कोई नवी ताजी बताओ, आजकल क्या कर रहे हो। तो इन चीजों को अगर आपने पूछना हो किसी व्यक्ति से कि भाई कोई नई ताजी बताओ, तो आप बोलते हो व्हाट्स अप। और अब इसके लिए सोचना नहीं है, क्योंकि अंग्रेज ने जब किसी से पूछना होता है ना कि नई ताजी बताओ कोई आप, तो वो यही बोलता है व्हाट्स अप, क्या बोल देता है व्हाट्स अप। तो आपने ये चीज साथ में ही बोल देनी है और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। कब बोलनी है, जब आपने किसी से पूछना है कि कोई नई ताजी बताओ, तो आप बताते हो व्हाट्स अप, क्या बोलेंगे व्हाट्स अप। और अगर आपने साथ में बताना हो, मीन्स कई बार आपसे ही कोई पूछ लेता है कि व्हाट्स अप, आगे से आप बताते हो तो कोई खास नहीं है, मीन्स कोई स्पेशल नहीं है, तो आप बोलते हो नथिंग स्पेशल, क्या बोलेंगे नथिंग स्पेशल। एक बार फिर से बोलिए नथिंग स्पेशल। तो ये चीज क्या होती है, आपने इसको बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बोलने की सीखना है तो बोलना ही पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को या तो आप बार बार देखें, या फिर क्या करना होता है इसको रोक रोक कर उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्योंकि मैंने मुझे आपकी थोड़े समय के लिए ये वीडियो बना दी हुई है, लेकिन उसके बाद आपने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है इसको अच्छे से सीख लेना है और लाइफ में इसको बोलना है। मीन्स अब जो आपने नेक्स्ट वीडियो मेरी देखेंगे आप, वो आपने 24 घंटे के बाद देखनी है। मीन्स 24 घंटे के बाद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय तक आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, आप अपनी लाइफ में इसको बोलना स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद कई बार क्या हो जाता है, एक तो आप बोल देते हो व्हाट्स अप, और एक होता है कि चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, मीन्स क्या चल रहा है, तो आप बोलते हो व्हाट इज गोइंग ऑन। जब आपने ये पूछना हो कि क्या चल रहा है, तो आप बोलते हो व्हाट इज गोइंग ऑन।
सिंपल सी बात है। तो आपने सिंपल कैसे बनाना है? अगर आप बोले कि सर ये टफ है, तो टफ को आसान बना लो। कैसे? बार बार बोलो व्हाट इज गोइंग ऑन। व्हाट इज गोइंग ऑन मींस कि क्या चल रहा है। फिर से वही बात, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। इसके बहुत सारे आंसर होते हैं, लेकिन वो आगे जाकर बात करेंगे, क्योंकि इस समय हमारे पास समय बहुत कम है। इसके इस समय के बीच में हम इतनी सी ही बातें करेंगे, और बाकी जो आपकी जो इसके आंसर होंगे वो आगे आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि ये आपका एक कोर्स है इंग्लिश स्पीकिंग का, जो एक ही क्लास में नहीं खत्म होगा, जो बहुत सारी इसकी क्लासेस हैं। तो आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखते जाना होता है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे क्या हो जाएगा कि आपको ये जो वीडियो है आपको मिलती जाएंगी, और लाइक करने से आपको ये आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो इसके बारे में आपने अच्छे से विचार करनी है, और उसके बारे में सोचना है, और बोलना भी है, सीखना नहीं है। क्योंकि अगर सीखने की बात करेंगे तो सीखने वाली बात और हो जाती है। आपने क्या करना है, ये बातों को समझना है, उसी समय बोलना स्टार्ट कर देना है। जैसे हमने बात करी थी किसी से, हमने पूछना है कोई नई ताजी बताओ, तो बोलेंगे व्हाट्स अप। अब ने पूछा है कि क्या चल रहा है, तो बोलेंगे व्हाट इज गोइंग ऑन। और जब आपने पूछना हो किसी व्यक्ति से कि आजकल क्या कर रहे हो आप, मीन्स आजकल आप क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज। व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज, क्या बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज। तो ये इस चीज को इसलिए ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा हो वो व्यक्ति इस चीज को अच्छे से सीख पाए, और बाद में कभी भी उसको इंग्लिश बोलने में परेशानी ना आए। क्योंकि जो आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें ये बातें रिपीट नहीं होंगी, क्योंकि ये आगे आगे चलती ही जाएंगी और हम कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे। तो ये आपकी इस कोर्स की फर्स्ट क्लास है, इसलिए इसको एक बेसिक क्लास बोला जा सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा बेसिक और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज है, क्योंकि ये बोली जाती है। आपने देखा होगा ना, आपके आसपास लोग बहुत ज्यादा इस चीज को बोलते हैं। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऐसे शब्द हैं जो कभी भी नहीं बोलते, ये कॉमन बोलते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मली लोग इसको बोलते हैं। तो आपने भी बोलना स्टार्ट कर देना है, मीन्स अगर आपने पूछना है कि आजकल आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज, मीन्स आजकल आप क्या कर रहे हैं। और आपने बताना हो कि कुछ खास नहीं कर रहा, तो बोलते हो नथिंग स्पेशल, क्या बोलेंगे, नथिंग स्पेशल। और अब इंग्लिश सीखने की बात करेंगे, तो इंग्लिश सीखने का एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मीन्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है आपने। तो आपने जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कैसे करनी है कि जी वीडियो को आपने अच्छे से देखना है। अगर तो आपको बात समझ में आ जाती है तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ बोलकर देखना है, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बोलकर देखना है, एक बार ही नहीं सारा दिन ही इसको बोलकर देखना है, और बाद में लाइफ में हमेशा ही बोलते रहना है। और अगर आपको लगता है कि मुझे बात अच्छे से समझ में नहीं आई, तो इसको फिर से देख लेना है, मीन्स बार बार इस वीडियो को देखना है, उससे बाद आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब आपने क्या करना है, इस चीज की अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नई चीजों के साथ। टिल देन बाय।